Everyone, welcome to Samvad at ZJLF 2019. Good to see a big crowd here. I think you're all excited for this session. Just before we start, please make sure all your cell phones are set to silent. It is very, very, very disruptive if a cell phone goes off. And if you absolutely have to take a phone call, I know it's going to be hard to make your way out, but you'll need to make your way out because we really can't have people talking during the session. Today, we pay tribute to our founding fathers who created one of the most brilliant documents of the 20th century, the Constitution of India, an ensured adult franchise for all. And what better day to announce the Hindi word of the year. In this session, Naye Bharat Ki Hindi, sponsored by Oxford Dictionaries. We'll find out what that word is and then follow it with a discussion. Please welcome to the stage Akhil Katyal, Neelesh, Misra, Pravin, Kumar, with Saurabh, Dwivedi. I believe we're still waiting for Geetanjali Shree and Rakhshanda, Jalil. They will get on stage as soon as they arrive. Anyway. Thank you. नमस्ते. क्या चूरमा में घी कम था क्या? नमस्ते जयपुर. आप लगा जनता ललन टॉप है. होमोसेपियंस भाषा के बिना भी थे और भाषा तो गिलहरियों की भी होती है. पोलैंड में एक हमारी दादी रहती हैं, आप लोगों की भी हैं जी. दादियाँ, पेड़, ये सब साझे होते हैं. कवित्री हैं, विसाव शिम्बोश का नाम है उनका. उनकी एक बड़ी कमाल की कविता है, भाषा के बारे में है. तो उस कविता को नहीं सुनाऊंगा, घबराइए मत. कई लोगों के माथे पर कविता अखिल भाई सुनाएंगे और नीलेश जी बैठे हैं, वो सुनाएंगे. उसमें ये है कि ये हमने ऐसे सोच लिया है जब रात में हम सोते हैं कि गिलहरियाँ भी सो जाती होंगी. क्या पता वो भी अखरोट के बगल में बैठ के कोई महाकाव्य रच रही हों, बस हम उनकी भाषा नहीं जानते. क्या वहाँ पे कोई कीकी चैलेंज चल रहा है क्या? तो साहब, भाषा बड़ी ज़रूरी चीज़ है. अब भाषा है तो फिर उसे लिखा भी जाने लगा, किताबें आने लगीं और हज़ारों साल बीते तो उसके बाद एक छपाई खाना आया जिसकी दुकान के बाहर बोर्ड टंगा ऑक्सफर्ड. फिर उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि जब सब कुछ शब्द से ही है तो शब्दकोश बना दिया जाए, ताकि जब कभी झगड़ा हो कि वर्तनी ठीक है कि नहीं तो उसका इस्तेमाल हो सके. छोटे में मास्टर जी ने बहुत लगोदे लगाए हैं कि कबूतर में बाप बड़ा ऊ है कि छोटा ऊ है. शब्दकोश बना तो नए नए शब्द जुड़े और तब ये उपक्रम आया कि साहब, जो साल भर में बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड, एफडी, नई नई एंट्रियां हुई हैं कोश में, तो एक शब्द ऐसा बताया जाए जो उन सारे शब्दों का सिरमौर हो उस बरस. एक शब्द जो उस बरस के भाव को व्यक्त करे. अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर. पिछले बरस इसका हिंदी में डेब्यू हुआ, उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुई. जेएलएफ में ही उसका अनाउंसमेंट हुआ था. और किसी को याद है पिछले वर्ष का शब्द क्या था? आधार. तुम लोगों का आधार बड़ा मजबूत है. लिंक करा लिए हो कि नहीं? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इतना ज़रूरी भी नहीं है. वैसे भी आधार में फ़ोटो अच्छी नहीं आती है. और नीलेश भाई के मित्र
एक महाकवि लिख भी गए हैं, ये चर्चा फेसबुक पे है, मजा बस एक लुक में है, हंसी चेहरे का कौन बार बार दीदार करता है। तो इस बरस फिर से ऑक्सफर्ड ने देश से पूछा कि आप बताएं, भाषा तो जनता की है, आपकी है, कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा हो। बहुत सारी एंट्रीज आई, प्रविष्टियां आई। अब जनता तो आप भी हैं, तो आप लोग ही बता दीजिए आपके हिसाब से कौन सा वर्ड होना चाहिए वर्ड ऑफ द ईयर। अरे जोर से बोलिए थोड़ा, जुमला, व्हाट अ जुमला। चलिए जुमला। और भी कोई एंट्री है क्या? मित्रों, ये पिछले बरस भी थी, लल्लन टॉप। भाई साहब आप मुझे इस सेशन के बाद मिलिएगा, आपको चॉकलेट देनी है जी। यहीं तो बैठे हो गुरु, हैं? चिल्ला ऐसे रहे हो कि ऊपर से साइवान से आवाज आ रही हो। सर शब्द बोलना था, किसी पार्टी का नारा नहीं। मंच की गरिमा बनी रहे जी। आलू जी। और गठबंधन, गठबंधन फाइनल फाइव में था, बधाई आपको। पकौड़े, मौसम तो है पकौड़ों का। थोड़ा भाई साहब, ये आप ये बोलेंगे फिर इसके काउंटर में दूसरा शब्द आएगा, हैं जी। जुगाड़, वो तो हम हिंदुस्तानियों को हजारों सालों से आती है जी, वो तो पिछले साल था चचा। भाइयों और बहनों, ये एक शब्द है, बहुत बढ़िया। भाइयों बहनों जी, और बताइए, 2018 में बहुत सारे शब्द चलन में आए नए सिरे से, जिन्होंने अलग अलग भावों को व्यक्त किया जी। रफेल, हाँ जी, ये भी हो सकता है। कालीन, वारे मिर्जापुर जी। और बताइए, विकास, मी टू, हैशटैग भी जोड़ना होगा। चलिए साहब, राम मंदिर, ये भी फाइनल फाइव में था, आपको भी बधाई। आयुष्मान, आपको भी बधाई, ये भी फाइनल फाइव में था। अब कुछ लोग पीछे गिन रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये गच्चा खाता है कि नहीं, तीन तो गिनवा दिए इसने फाइनल फाइव में जी। बहुत स्वच्छ है, इस पर भी विचार हुआ था। वंशवाद, चिल्ला क्यों रहे हो? चलिए, बहुत ही विद्वान लोगों का पैनल है जिनसे हम नए भारत की हिंदी पर चर्चा करेंगे, और उनको सुनने के लिए ज़रूरी है कि मैं अब ठहर जाऊं, और ठहरने से पहले ऐलान कर दूं ऑक्सफर्ड के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का। ऐसे वो म्यूजिक व्यूजिक नहीं चलता, टैटड़ा है। ऑक्सफर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 है नारी शक्ति। वजहें तो बहुत गिना सकता हूं, निर्णायकों में बड़ी जोरदार बहस हुई, ईमानदारी की बात है, बड़ी मुश्किल से सब एक शब्द पर राजी हुए। और हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे भी सिर्फ आलिया को देखकर ही राजी होते हैं सब। कई शब्दों का जिक्र आया, राम मंदिर, चौकीदार, आयुष्मान भारत, इन सब का जिक्र आया। फिर हमें ध्यान आया मी टू, हमें ध्यान आया ट्रिपल तलाक, हमें ध्यान आया सबरीमाला, और हमें ज़्यादा दूर क्यों जाएं, जी बेटी बचाओ। आज सुबह ही रिपब्लिक डे की परेड हो रही थी, और उस परेड को एक महिला सेनाधिकारी लीड कर रही थी। तो गए वो जमाने जब नायक थोड़े से तंज और थोड़े शरारत में सिर्फ मन भरने भर के लिए कहता था कि हाय राम कुड़ियों का है ज़माना,
मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे समय में लड़कियों का ज़माना बाकायदा आ रहा है और उसी को समर्पित है ये शब्द नारी शक्ति। और इस सेशन का विषय है तार छोटा है। इस सेशन का विषय है नए भारत की हिंदी। और नया भारत स्मार्टनेस के ज़माने में लोगों को लगता होगा कि शहरों में है, मुझे लगता है कि नया भारत गांव में है। गांव बड़े नए हो रहे हैं। मेरे दाएं हाथ पे भाई साहब बैठे हैं, रिश्ते में भी हमारे बुज़ुर्ग हैं। तुम गुरु ऐसे मुस्कुरा रहे हो बुज़ुर्ग सुन के जैसे तुम इमरौती खा के आए हो सोलह के रहोगे। नीलेश जी से बात की शुरुआत करते हैं जो एक शानदार उपक्रम चला रहे हैं गांव कनेक्शन। नए भारत की हिंदी में अलग अलग इलाकों के गांव की हिंदी कितनी आ रही है, कितनी आनी चाहिए, क्या है उसका प्रोसेस और कहां रुक रही है, कहां बह रही है? मुझे लगता है पहले तो ये जो एक फ्रेज मैं अक्सर सुनता हूँ नई हिंदी, उससे मुझे सख्त आपत्ति है। क्योंकि वो जो फ्रेज़ है वो कहीं ना कहीं ये जताता है हमें कि बाकी जो हिंदियाँ हैं जिनमें वो गांव की हिंदी भी शामिल है वो कहीं कम है उनसे। और हमारा ये अनुभव रहा है कि उस जब मैं उन बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनके आप अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स की दुनिया को देखने वाले लोग उस दुनिया के लोगों से अब जब मिलते हैं तो बहुत इंटरेस्टेड हैं उस दुनिया में, अब जिस दुनिया से हम कहानियां ला रहे हैं पिछले कई सालों से। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए क्योंकि उस भारत की पेड़ तो नहीं है कोई आसपास, उस भारत की हिंदी ने एक नया बाज़ार भी खड़ा किया है। जब आप मिर्ज़ापुर देखते हैं या उस तरह के और कंटेंट देखते हैं तो उस भारत की हिंदी ने एक एक, एक नई जगह बनाई है जो कमर्शियल सेंस कर रहे हैं। लेकिन एक स्टीरियोटाइप के तौर पे उस भारत की हिंदी ना आए, ये डिस्क्लेमर हमारा रहेगा, एक कि वो जो हिंदी आए ये सोच के ना आए कि उस भारत में सिर्फ गाली गलौज ही होता है, उस भारत में कोई और रस नहीं है जो हमारे कंटेंट में हमारी कहानियों में नहीं आ सकता है। अभी भी ये थोड़ा सा मुझे चश्मा दिखता है कि जो खून खराबा है, जो वायलेंट है, जो नाराज़ हिंदी है वो उस भारत के उस हिस्से से आ रही हिंदी ही सिर्फ रहे। जब तो आज ही मैं सुबह बल्कि बात कर रहा था रक्षंदा जी से कि किस तरह से अलग अलग बोलियां और किस अलग अलग डायलेक्ट्स जो सुनने में ज़्यादा रुचिकर हैं, उनमें रस है, उसको कैसे अब हम गांव कनेक्शन में नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उसको सिर्फ लिख के ना पढ़ा जाए, सुना जाए, क्योंकि सुनने का जो लहजा है वो और कहीं पर नहीं हो पाएगा। तो निस्संदेह बदलाव आ रहा है, उस भारत की हिंदी को पहचाना जा रहा है और उसकी आवाज़ें, उसकी कथानक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं शहरों की ओर, और उम्मीद है कि ये बढ़ेगा और एक उसको नॉर्मल जगह समझा जाएगा उस भारत को। वो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सिर्फ एक गैंग्स ऑफ वसईपुर या मिर्ज़ापुर जैसी ही घटनाएं होती हैं, वो एक साधारण जगह जैसे शहर में है, वहाँ भी गीत गाए जाते हैं, वहाँ भी मुहावरे होते हैं और वहाँ पर वो सारे रंग अब धीरे धीरे हमारी भाषा में मास प्लेटफॉर्म्स पे और आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मैं देख रहा हूँ होता हुआ। जी आज शायद मेरे कहने में कुछ चूक रही होगी, विषय में नई हिंदी जैसा कुछ नहीं है ये, नहीं, मैंने आपके लिए नहीं कहा था भाई, बहुत चल रहा है। हाँ उसके लिए कहा, हाँ ये उस हैशटैग पे कहा। हाँ जी हाँ, ये तो नए भारत की आप तो भले आदमी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पता नहीं ये नई उम्र की फसल बता सकती है। हमारे ज़माने में तो ट्यूशन में लड़की मांगने पर अगर रजिस्टर दे देती थी तो हमें लगता था कि
पर आप लोग यहाँ तो स्वाइप वाइप होता है ना कुछ, और नहीं मिलता था तो भैंबड़ा पसार के रोते थे, और ये बुंदेली का शब्द है, तो ऐसे शब्द आए। अखिल जी, हिंदी वालों को ये बड़ा दरेरा दिया जाता है, बहुत सारे हिंदी के स्वनाम धन्य संत हैं जो ये कहते हैं साहब ये नएपन के नाम पे हिंदी में अंग्रेजी के शब्द बहुत सारे ठूस दिए गए, ये बहुत गलत है। आपको लगता है कि इस तरह की पहरेदारियों का भाषा पर कोई असर होता है? मतलब ये लोग जो भाषा फेसबुक पर लिखते हैं या बातचीत में, कॉलेज में, कैंपस में, घरों में, ये इस तरीके के फतवों से, इस तरह की पहरेदारियों से बनती है, या ये बहुत खुला खिला प्रोसेस है जिसमें इस तरह का आग्रह कि किसी भाषा के कितने शब्द लिए जाएं कितने नहीं लिए जाएं काम नहीं करता? मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ दिल्ली में, और वहाँ दिल्ली में जंगपुरा एक्सटेंशन में रहता हूँ, तो आप घर से नीचे निकलें तो मेरे जो मकान मालिक हैं वो पंजाबी में बोलते हैं, जो अन्य किराएदार हैं उस एरिया के वो जहाँ जहाँ से आए हैं भारत से वहाँ की भाषा बोलते हैं अंग्रेज़ी के साथ, वहाँ जो एक्सपैट है जो डिफेंस कॉलोनी में घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो जंगपुरा में रहते हैं वो फ्रेंच या स्पेनिश बोलते हैं, अगर आप रिक्शा ले भोगल जाने के लिए तो वो मालदा या मुजफ्फरपुर या मुंगेर से आए हुए हैं तो वो वहाँ की भाषाएँ बोलते हैं, तो शहर तो किसी एक भाषा में बोलता नहीं है, वो हमेशा भाषाओं के मिश्रण में ही बोलता है, तो ऐसी हिंदी में लिखा जाए, ऐसी हिंदी को दर्शाया जाए, अलग अलग स्थानीय बोलियों को उसमें उससे हटाया ना जाए, इसी हिंदी की कोशिश रहती है। मैं दिल्ली में पिछले 15 साल से हूँ, तो आपको मतलब जिस कविता से लोगों को थोड़ी बहुत जैसे जिसमें अंग्रेज़ी के शब्द आ जाएँ अगर उससे परेशानी, तो मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी प्लीज। मैं दिल्ली में पिछले 15 साल से रहता हूँ, तो एक प्रेम कविता लिखी जो कि दिल्ली पे भी एक कविता है। आप में से दिल्ली वाले कौन कौन हैं? अच्छा, तो शायद आप वास्ता रखें इससे कि तुम कोई मेट्रो स्टेशन होती, तुम कोई मेट्रो स्टेशन होती तो ज़रूर येल्लो लाइन पर घिटोरनी होती, इससे कम दमदार नाम तुम पर जचता ही नहीं, मेरा क्या मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हारे मेरे बीच ये पूरी दिल्ली है इसलिए आने से डरता हूँ, थोड़ा मीक हूँ, सदा तुम्हारा विश्वविद्यालय। क्या बात है। अब इस कविता में मेट्रो स्टेशन भी है और इस कविता में मीक भी है जी। और मैंने हाल ही में जब रवीश कुमार जी का जो किताब है इश्क में शहर होना उसको अनुवाद किया, तो उसकी भाषा में भी मुझे दिल्ली वाले जैसे असल में बोलते हैं, थियोरेटिकली जैसे बोलते वो नहीं, जो असल में बोलते उसमें सारी बोलियों को सुनने को मिला, तो उसमें अनुवाद करने का उसका रस भी आया फिर। तो भाषा में कड़ी बाउंड्रीज ना बना के रखें, उसी से भाषा जीती रहती है, और हिंदी की जो जिजीविषा है, हिंदी की जो जीने की चाह है, मुझे वो रवीश कुमार जैसी किताबों में दिखता है, मुझे वो शुभम श्री जैसी कविताओं में दिखता है, मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं जो बात आपसे स्पीकर्स लाउंज में कह रहा था वही यहाँ पे दोहराऊंगा। कुछ महीने पहले चुनाव थे, कुछ महीने बाद फिर चुनाव है, ये मुल्क परमानेंट मित्रों मोड में रहता है। तो मैं रायपुर में था, दीपावली का दिन था, कई पाठक दर्शक मिलने आए, और फिर इतना अभिभूत हो गया तो फिर ट्विटर पे लिखा कि दीपावली मुबारक, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा वो सब तो ठीक है पर मुबारक क्यों, शुभकामनाएं क्यों नहीं। अब ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हाँ, ट्रोल्स आर वेरी प्रिडिक्टेबल नाउ, दे नीड टू बी क्रिएटिव। रिस्पांस क्या आएगा? पर क्रिएटिव होंगे तो फिर क्रोध पीछे छूट जाएगा। हिंदुस्तान में रक्षंदा जी, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि हिंदी साहब जो है ना वो तो वही है जिसको बोलते हैं साहब कितनी अच्छी हिंदी बोलता है, कितनी शुद्ध हिंदी बोलता है, जिसमें सिर्फ संस्कृत के शब्द ठूंसे गए हों, और ठूंसे गए इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो सहजता से नहीं आते हैं, और उर्दू उर्दू आ जाए तो उनको लगता है कि ये तो कुछ बाहरी जबान है, मिश्रण हो गया है, मुबारक मत बोलिए, शुभकामनाएँ बोलिए। जबकि हमें तो लगता है कि हिंदी जितनी समृद्ध सारी बोलियों उर्दू से अंग्रेजी से सबसे हुई है, आपका इस पे क्या सोचना है? आपकी तो हिंदी वालों से अकादमिक भी और गैर अकादमिक खूब बात मुलाकात होती है। हिंदी और उर्दू वालों दोनों से ही होती है। अच्छा, उर्दू में भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों आग दोनों तरफ, तुम भी हम जैसे निकले, सब एक जैसे। उर्दू और हिंदी ने अपने आप को जैसे अखाड़े के पहलवान होते हैं ना,
यही एक मेरे जहन में इमेजरी आती है कि अखाड़े में जैसे पहलवान होते हैं ना कि ये हमारा हिस्सा है, तुम इधर आए तो बस तुम्हें धर देंगे। तो ये अखाड़े वाली मेंटालिटी जब तक रहेगी हम अपनी जबानों के साथ बड़ी नाइंसाफी करेंगे, एक बात ये। लेकिन दूसरी बात जो शायद आपको लगे कि ये विपरीत बात है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो ये विपरीत बात नहीं है, वो ये कि जबानों को परहेज़ नहीं करना चाहिए। परहेज़ समझते हैं? अमूमन डॉक्टर्स बताते हैं कि बीमारी है तो आजकल ये मत खाओ। मैं उस सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, परहेज़ मैं उस सेंस में इस्तेमाल कर रही हूँ कि अपना दामन बचा के जो हम चलते हैं। दिवाली मुबारक कहने से क्या दिवाली कम शुभ हो जाएगी? सोचिए ज़रा इसके बारे में। बात तो वही रहेगी आप किसी तरह से भी कहें। ज़बानों को ज़िंदा रखने के लिए उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है। अब वो अंग्रेज़ी से आए, अगर इन्होंने मीक कह दिया या मेट्रो कह दिया या येलो लाइन कह दिया, क्या इनकी शायरी डाइल्यूट हो गई? क्या वो फिर शायरी नहीं रही? तो अपनी जगह ज़बान की प्योरिटी अपने में अहमियत रखती है, लेकिन अगर हम लोगों से कनेक्शन रखना चाहते हैं, अगर कम्युनिकेशन हमारा असली मतलब है, तो मेरे ख्याल से इस परहेज़ को अब हमें छोड़ना होगा। और उर्दू की जहाँ तक आपने बात की, उर्दू तो बेचारी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ज़बान हो गई है एक लिहाज से। प्रांत तो उसका कभी नहीं था, वो क्षेत्रीय ज़बान नहीं थी। गुजराती गुजरात की ज़बान है, बंगाली बंगाल की है, ऐसे उर्दू का कोई स्टेट नहीं था। जहाँ जहाँ बोली जाती थी, जो उसको बढ़ के उसका हाथ थाम लेता था वो उसकी हो जाती थी। आज आप में से कोई कहें कि मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है, आपकी उर्दू हो गई। तो उर्दू किसी स्टेट की तो खैर कभी से नहीं थी, लेकिन 47 के बाद वो एक मज़हब से जुड़ गई। और ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी कैजुअलिटी है कि हमने उर्दू को एक मज़हब से जोड़ दिया। नए भारत में मेरे ख्याल से हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि उसको डिसंगेज कर लें, उसका कोई एक आर्टिफिशियल जो हमने एक कनेक्शन बना दिया है रिलीजन के साथ, अगर हम उस कनेक्शन को तोड़ दें तो मेरे ख्याल से उर्दू के लिए तो अच्छा होगा ही, हिंदी को भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल जी, प्लीज़। ये सवाल जब हमने 6 साल पहले कहानियाँ सुनाना शुरू किया तो ये सवाल हमारे सामने था कि वो कहानियाँ किस ज़बान में होंगी और उनमें हिंदी कितनी होगी, उनमें उर्दू कितनी होगी और अंग्रेज़ी कितनी होगी। और हमने इस चीज़ का एक समीकरण बना लिया, कुछ रूल्स बना लिए हैं, तो शायद आपको कहानियाँ सुनते वक्त पता लगें या ना लगें। मैं इससे हिंग्लिश के प्रयोग से बचता हूँ जब नैरेटर कहानी सुना रहा है। जब पात्र बोल रहा है तो वो जैसे बोल आपने बोला वैसे बोलेगा, लेकिन नैरेटर कभी ये नहीं कहता कि वो दरवाजे के पीछे मीकली खड़ा था। ये लाइन कभी नहीं आएगी हमारी कहानियों में, वो सहम के ही खड़ा होगा। पर वो जब फर्स्ट पर्सन में बता रहा है कोटेशन मार्क्स में, तो फिर जो जैसे सहज रूप से बोलते हैं हम लोग वैसे। तो हमने वो लक्ष्मण रेखा रखी भी है, लेकिन उतने हम बंद के नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि कहीं तो आपको एक भाषा का दायरा बांधना नहीं, क्योंकि उसमें शब्द तो आते रहते हैं। गांव कनेक्शन में कनेक्शन भी कभी अंग्रेज़ी का ही शब्द है। लेकिन जो ये हिंग और तो मैं पूरी हर बात से सहमत हूँ। बस जो अभी मैं हाल में जब रेडियो पे कहानी, तो एक और रेडियो स्टेशन से बात चल रही थी कि आप आइए, तो मेरी बात पोचिंग हो रही थी। नहीं, मैं उस समय सिंगल था। अच्छा, आई वॉज लुकिंग कि कौन राइट स्वाइप करेगा। ओके, देखिए आता है हमको ये सब आता है। पिछले साल एक महिला ने संदेश भेजा कि अगर आप सिंगल होते तो मैं राइट स्वाइप कर देती। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये इसका अर्थ क्या है। तो मैंने कुछ अपने युवा साथियों से कहा कि जी ऐसा संदेश आया, इसका अर्थ क्या है? तो खैर उन्होंने समझाया कि राइट स्वाइप भला क्या है। तो एक बरस हुआ, लेकिन अब भी लालामी छा जाती है आपके गालों पे इस जिक्र से। भूला तो नहीं जी। फिल्म कर्मा में नसीरुद्दीन शाह से पूछा उनके साथी ने, याद तो बहुत आती होगी। नसीर भाई कहते हैं, भूला तो नहीं। तो ये जो है कि हमको, अगर आप भोजपुरी में कहानियां सुन रहे हैं और उसमें अंग्रेजी दखल दिए चली जा रही है, अनलेस आप कह रहे हैं कि कोई बस है और
ट्रेन आ रही, वो तो हमारी वो तो वो उतने हमें फंडामेंटलिस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन कहीं जिस मोहल्ले में खेल रहे हैं उस मोहल्ले के लोगों का भी ख्याल रखा जाए, ऐसा है मेरा मानना है। और जब कैरेक्टर बोल रहे हैं तो ज़रूर उसी भाषा उसी लहजे में बोलें कि व्हाट्स दिस नॉनसेंस, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो वो कैरेक्टर ऐसे ही बोलेगा। आप बड़ा हंस रही हैं। चलिए प्रवीण जी, किरदारों का जिक्र आया, एक ज़माना था और अभी भी है जब हम अपनी भाषा को सबसे ज़्यादा सवारते थे कि साहब हमें ये साहित्यकार पसंद है, इसने इस शब्द का इस्तेमाल किया या वो इस ढंग से लिखता है तो हम भी उसके जैसे बनने की कोशिश करते थे। जैसे हमारे एक चाचा जी थे, वो लावारिस देख के आए, उसके बाद वो जबरन अपना कंधा झुका के, उनके साथ कोई कुली वाला एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो ऐसे झुक के चलते थे। तो एक लंबे अरसे तक ऐसा रहा और अभी भी है कि साहित्यकारों की भाषा के हिसाब से बहुत सारे लोग भाषा बरतने की कोशिश करते थे। आपकी कहानी है, उस कहानी में जैन दर्शन का बार बार जिक्र आता है और उस जिक्र के जरिए हमें उस दर्शन उस धर्म से जुड़े कई नए शब्द पता चलते हैं। अगर हम उनको और दो चार बार पढ़ें तो वो हमारी भाषा का हिस्सा बन जाएं। तो एक कहानीकार के तौर पर जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर ये बहुत कॉन्शियसनेस रहती है क्या कि ये मुझे एक नया शब्द लेकर आना है? और नए से तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है कि वो शब्द जो इधर कुछ दिनों से चलन में ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि भाषा की कोई एक फैक्ट्री नहीं है जी, कि ये मुंबई से बनेगी या दिल्ली से बनेगी या गांव से बनेगी। भाषा की कई फैक्ट्रियां हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसमें एक जगह मेरे ही मित्र गांव के हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रेम करता गया और मेरी प्रेमिकाएँ शादियाँ। तो ये सुना हुआ है, ये सुना हुआ है और आप समाज से उठाते हैं। देखिए, एक परंपरा है, पहले से आ रही है। रक्षंदा जी ने कहा जो बात हिंदी उर्दू को लेके हमें पढ़ाया जाता है, और पूरा प्रगतिशील मूवमेंट इसीलिए है कि हिंदी उर्दू जो है वन लैंग्वेज टू स्क्रिप्ट है। लेकिन अतिवादियों की कमी नहीं है। सैयद अहमद साहब ने कह दिया कि हिंदी गंवारों की भाषा है, तो पलट के भारतेंदु ने कह दिया कि उर्दू तवायफों की भाषा है। खूब लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ाई ख़त्म हुई, लंबे समय तक हिंदी उर्दू साथ में रही। कुछ अतिवादी लोग हैं, लेकिन मेरी समस्या वहाँ नहीं है कि हम कहाँ से पात्र ग्रहण कर रहे हैं या कहाँ से भाषा। बचपन में एक खेल खेलते थे कि चार भाषाओं को जोड़कर एक वाक्य बनाओ। तो हम लोग बच्चे थे तो सिखाया था किसी ने कि ईदम गृहम कोई है हो, जरा वाटर पिला दो। चार भाषाएं तो आ गई, लेकिन क्या ये अनुकूल वाक्य है? वाक्य फिर से बोल दीजिए। मुझे एकदम याद आ गया, दोबारा बोल दीजिए प्लीज। ईदम गृहम कोई है हो, जरा वाटर पिला दो। तो अब ये चार भाषा आ गई, भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये वाक्य है, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये वाक्य नहीं है। हर भाषा की एक अपनी परंपरा होती है, उसका एक अनुशासन होता है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी उर्दू एक ही स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट अलग है, लैंग्वेज एक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि एक परंपरा होती है। आपने कहा गिलहरियों की भाषा, देखिए दिल्ली की बिल्ली म्याऊं बोलेगी, अमेरिका की भी बिल्ली म्याऊं बोलेगी, लेकिन दिल्ली का व्यक्ति चोट लगने पे आह बोलेगा, बिहार का मैयारे बोलेगा, और दिल्ली और दिल्ली से बाहर यूरोपियन वर्ल्ड में क्या बोलेगा अंदाजा लगाइए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बहुत सीधा है कि भाषा हम अर्जित करते हैं। जानवरों से हम अलग इसलिए हैं कि अमेरिका की बिल्ली और दिल्ली की बिल्ली एक ही भाषा बोलेगी, लेकिन अमेरिका का व्यक्ति और दिल्ली का व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलेगा, ये अर्जित करते हैं। इसकी एक श्रृंखला है, एक परंपरा है। और ये जो विषय आज का दिया है आप लोगों ने कि बदलते हिंदुस्तान की हिंदी या नए हिंदुस्तान की हिंदी, नए भारत की हिंदी, नए भारत की हिंदी, इसको अगर आप केवल डिजिटल इंडिया से देखें और ग्लोबल इंडिया से देखें तो ये समझ में नहीं आएगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर और
ये मिर्जापुर से पहले काशीनाथ सिंह ने बवाल कर दिया हिंदी में जी। और अगर आप लोगों ने काशी काशी पढ़ा हो जिसमें उन्होंने कहा है कि भाषा में शुद्धता बरतने वाले लोगों को हम परम कहते हैं और परम को इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने सूचित किया है, मैं बताऊंगा नहीं। तो भाषा की शुद्धता का सवाल परंपरागत ढंग से वैसा नहीं है कि आप डंडा लेके खड़े हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो चीज़ें जैसे सर ने कहा वो आती हैं, लेकिन हमें चुनना होगा कि एक अखबार है जो हमेशा इंग्लिश लिखता है, इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, भाषा की एक अपनी बुनियाद है और उसकी एक परंपरा है, उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं चलने दीजिए, लेकिन जानबूझ के आप चमत्कृत करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों को डाल रहे हैं तो चटनी से पेट नहीं भरता, प्रेमचंद ने कहा, उसके लिए ठोस आहार चाहिए। तो मुझे लगता है कि चरित्र हो या भाषा हो, आपको अपने समाज से बहुत भीतर बहुत नीचे उतर के ग्रहण करना होगा और उन्हें चमकाना होगा जैसे हीरा चमकाते हैं। शुक्रिया। गीतांजलि मैम, ये नए भारत की हिंदी, ये जो टॉपिक दिया गया है, क्या वाकई भाषा बड़ी तेज़ी से बदल रही है या नेचुरली बदल रही है, अब उस पर हल्ला थोड़ा ज़्यादा मचाया जाने लगा क्योंकि बाज़ार बढ़ गया है खूब? देखिए, अब तक आप लोग सब जो बोलते रहे हैं मैं उन्हीं में से कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा के कहूँगी कि भाषा, ये बात कही जा चुकी है, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ कि भाषा के तो बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए। आदान प्रदान हमेशा से था, उससे भाषा जो है संपन्न ही होती है। और जो बात इन्होंने परंपरा की कही उस पर मैं ये कहूँगी कि परंपरा भी बदलती रहनी चाहिए। रक्षंदा जी ने हिंदी उर्दू की बात की, मुझे लगता है कि कम से कम साहित्य के क्षेत्र में अभी इस तरह का अलगाव नहीं आया है। पुराने साहित्यकारों को भी ले लें, इंतज़ार हुसैन वगैरह को भी ले लें, उनसे भी पहले आप जाएं तो अमीर खुसरू जैसे लोग भी जिस तरह के शब्दों को साथ जोड़ते हैं, जिस तरह से जो आप दो भाषा या प्योरिज्म को तोड़ने की बात कह रहे हैं वो बड़े बहुत पहले से चल रहा है और चलना चाहिए, वो चीज़ अभी भी हो रही है। और नए नए क्षेत्रों के आने से, नए नए तबकों के आने से, दलितों के आने से, औरतों के आने से, मुझे लगता है कि भाषा में बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। जो नई भाषा आ रही है वो बहुत सी नई ध्वनियां ला रही है, सिर्फ विषय ही की ही बात नहीं है। औरत जब लिखने लगती है तो ध्वनियां भी दूसरी आने लगती हैं और ये सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है भाषा के साथ। जो चिंता मुझको है और वो भी शायद हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे जुड़ती है, वो है एक तरह की लापरवाही भाषा के प्रति। कि जैसे इन्होंने कहा कि ये वाक्य नहीं बनता, तो असल बात ये है, ये नहीं कि आप कहाँ से शब्द पा रहे हैं, कौन सा बॉर्डर आपने क्रॉस कर लिया और कुछ ले लिया, आप उससे एक दमदार अभिव्यक्ति आपकी हो रही है या आप कोई शॉर्टकट मारने लगे हैं। और बिल्कुल, मतलब आप देखिए, फ़र्क देखिए कि हमारी नानी दादी जो काफ़ी माने में अनपढ़ मानी जाएंगी, उनका भी देखिए बोलने का जो अंदाज था वो अब क्यों नहीं है हमारे नई पीढ़ियों में। चिंता की बात ये है कि आज के लोग भाषा के प्रति बहुत लापरवाह हो गए हैं और ये कोशिश नहीं करते हैं कि बहुत दमदार तरह से अपनी अभिव्यक्ति करें। और ये मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सबको सोचना ज़रूरी है। मुझे लगता है शायद मुझसे रिलेट करोगे कि हमें गांव कनेक्शन में ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते हैं जो हिंदी ठीक लिख पाए। सोचिए, मतलब हमें नहीं मिल रहे हैं। हम, मेरी भी यही पीड़ा है, मैं जान रिलेट करेंगे उससे, हिंदी नहीं ठीक लिख पाते हैं तो उसके आगे कैसे जाएं। तो बहुत अच्छी बात है जो लापरवाही, एसएमएस जनरेशन का जो ये नया वो है, वो इट्स वेरी डेंजरस ट्रेंड। मैम भी बोल रही थी आप, और हम लोग जब छोटे थे तो इस बात का इंतज़ार करते थे कि बहन ससुराल से आए, नहीं बहुत अतिरिक्त खुशी नहीं होती थी उसके आने पर, क्योंकि जब बहन आएगी तो बहन जाएगी और जब बहन जाएगी तो पैसे देकर जाएगी, तो इतनी खुशी थी।
तो जब बहन जाती थी तो उसके जाने के बाद हम भी जाते थे घर से बाजार उसके दिए सिक्कों से च्युइंगम खरीदने, क्योंकि उससे क्रिकेट के कार्ड आते थे। तो बड़ा साहब, अच्छा इस पे भी ताली है, नॉस्टैल्जिया बिकता है, बिकता नहीं है, पसंद आता है लोगों को। तो वो जो सिक्कों की खनखनाहट होती थी ना दुकान तक जाते हुए, बड़ी खुशी होती थी। और जब भी हम कोई नया शब्द सीख लेते थे तो वैसी ही खनखनाहट महसूस होती थी, यार ये नया शब्द हम इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल कर दें, थोड़ा चमत्कृत हो जाए, थोड़ा कहे वाह क्या बात कही है। जैसे मैं अभी कुछ घंटे पहले, मेरा हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार और कवि हैं उदय प्रकाश, उनके साथ सेशन था, उनकी एक बातचीत पढ़ रहा था मैं बीती रात। तो उसमें जो इंटरव्यू करता है वो एक शब्द इस्तेमाल करता है वेला प्रियता। वो सवाल पूछ रहा है कि उदय प्रकाश जी आपकी कहानियों में दोपहर बहुत आती है बार बार, इस कहानी में उस कहानी में, इस वेला प्रियता का राज क्या है। तो उदय प्रकाश चिहुक गए थोड़े से, बोले यार बड़ा अच्छा शब्द है, मतलब उनको इंटरव्यू पीछे छूट गया। तो वो जो एक नया शब्द पा लेने की जो चमक है, वो चमक वो उत्साह क्या अब रहता है क्या? आप सब लोग चूंकि रचना कर्म से जुड़े हुए हैं, सबसे ये सवाल है, जब कोई एक नया शब्द हाथ आ लगे, वो देशज हो सकता है, वो किसी विदेशी भाषा का, वो एक आपका गढ़ा हुआ शब्द हो सकता है। मेरे नाना उर्दू के एक बड़े लिखने वाले थे, लेखक के अलावा टीचर भी थे। उनसे एक चीज़ जो मैंने सीखी और यहाँ पे कुछ लोग भी अगर ये सीख लेके जाएं तो शायद अच्छा रहे, वो कहते थे कि मैं कभी बोर नहीं हो सकता हूँ अगर घर में किताबें हैं और अगर डिक्शनरी है। तो एक जो आदत हमने उनसे सीखी और मैं आज भी करती हूँ, ऑनलाइन आपके जो कंप्यूटर में थेसॉरस है वो नहीं, हार्ड कॉपी डिक्शनरी की अपने पास घर में रखिए, वक्तन फवक्तन उसके पन्ने पलटिए, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लफ्ज़ मिलेगा जो आपने नहीं सुना था या आपको उसके सही माने नहीं पता थे। कभी भी पढ़ते में कोई एक ऐसा लफ्ज़ मिले जिसमें आपको कोई शुबा हो कि ये क्या, इसका ये मतलब हो सकता है या ये भी मतलब हो सकता है, तो तुरंत डिक्शनरी देखिए, उसका जो मज़ा है और जो एक कोई नया लफ्ज़ आपके हाथ आ जाता है वो एक अचंभा जैसा लगता है। गीतांजलि, आपने एक बात कही थी, उससे जोड़ते हुए अगर आप इजाज़त दें एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हमारी बोली ठोली में जो रस था वो रस हमारी लिखने की ज़बान में, बोलने की ज़बान में जाता जा रहा है। मेरी नानी की जनरेशन के जो लोग थे वो इतनी इडियोमैटिक ज़बान बोलते थे, वो इतनी फ्लेवरसम थी, वो इतनी पंजेंट थी। पढ़े लिखे होना या ना होना ज़रूरी नहीं था, बोलचाल की ज़बान में शेर व शायरी थी, किस्से कहानियों के ज़िक्र थे, राजाओं की कहानियाँ थीं, परियों का ज़िक्र था, सपाट तरीके से बात नहीं कही जाती थी। मुझे जो आज अफसोस होता है, चाहे वो लिखना हो चाहे बोलना हो, एक सपाटता आती जा रही है। हम इतना डम डाउन क्यों करना चाहते हैं अपनी ज़बान को और अपनी कही हुई चीज़ को? क्यों नहीं हम उसमें थोड़ी पेचीदगी रखना चाहते? क्यों नहीं हम अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना चाह रहे हैं? क्यों हम इतनी ज़्यादा सहज तरीके से बात कहना चाहते हैं? क्यों, इससे क्या हासिल होता है? सरलता पे जरूरत से ज्यादा जोर दे दिया गया, और सरलता का मतलब मान लिया गया कि कुछ उतने ही शब्दों में सब कुछ कह दो। हाँ, क्या हम सिर्फ लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के लिए लिखना और कहना चाह रहे हैं? और क्यों हमने मान लिया है कि वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बहुत ही लो है? जी प्रवीण जी, आप मुझे लगता है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, पिता किसान है, तो अभी होटल से निकलते वर्षों में सुबह आया तो जो ये टीम वर्क की लड़की है उन्होंने आके कहा कि सर शटल इज़ वेटिंग फॉर यू। अच्छा, हमने कभी ऐसी अंग्रेजी सुनी नहीं। हमने कहा कि शटल स्पेस जाना है कि डिग्गी पहले जाना है? अच्छा, मेरी अपनी समझ थी, ऐसे ही रॉक स्टार देख रहा था अपने एक जूनियर के साथ, तो उसमें लड़की गुस्से में आके कहती है बग ऑफ। मैंने कहा भाई क्या बोला है बे? तो बोला कि भाग जाओ, दफा हो जाओ। तो मैंने कहा कि हिंदी में भी बोल सकती है? तो मेरे जूनियर ने कहा कि चचा दुनिया बदल गई। तो कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं चौंकाते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है, मेरे पिता, मैं एक कहानी की पहली लाइन खोज रहा था, एक मेरी लंबी कहानी आई है तद्भव में, मैं मिडाइबल एज पे लिख रहा था, एक राजा था जो सीताफल से डरता था, तो उसकी पहली पंक्ति ही मुझे याद नहीं आ रही थी। मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं, 84 ईयर्स के हैं,
तो उन्होंने एक बात बात में जमींदारी किससे उखाड़ते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि अरे उस जमींदार के यहाँ रात भर धूप खिली रहती थी। अब ये वाक्य ऐसा था कि मैंने एकदम पकड़ लिया और मेरी कहानी यहीं से, उदय प्रकाश जी ने तो प्रशंसा कर दी, हम लोगों के लिए उतना ही मार्का मिल गया। मैंने लिखा कि उस राजा के यहाँ रात भर धूप खिली रहती थी और कहानी वहाँ से मैंने शुरू की। तो मैं फिर से कहूँगा, भाषा हो या वाक्य हो, आपके रिश्तों से निकल के आते हैं, आप जहाँ समय देते हैं वहाँ से निकल के आते हैं। तो आप समाज में अगर जी रहे हैं, अगर रिश्तों में जी रहे हैं, तो वहाँ से शब्द निकल के आएंगे और आप ही के होंगे जिसको आप चमका सकते हैं। शुक्रिया जी। जी जो अभी रक्षंदा जी ने कहा कि जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में, मैंने भी जब ये सफ़र शुरुआत की तो कुछ लोग ऐसे ही कहते थे कि जो आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं ये जो यंग ऑडियंसेस हैं वो नहीं समझ पाएंगी, लेकिन ये गलत था। क्योंकि एक कहानी में मैंने कहा था कि फलाने ने सरौता ले लिया और फिर कहा सरौता नहीं समझते होंगे आप, और एक बहाने से बता दिया कि क्या है और कहानी में आगे बढ़ गए। मेरा जो सबसे छोटा लिसनर जिससे मैं आज तक मिला हूँ, जो रोज़ कहानियाँ सुनता है, वो 5 साल का है, और जो सबसे बड़े हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और मुझे आज तक किसी भी ऑडियंस ने, और आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हैं, कि आपकी कहानियों में बहुत कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा नहीं कहा गया कि भाषा समझ नहीं आती है। और हम ये सोच के नहीं लिखते कि इस इंग्लिश व्हाट्सएप जनरेशन के लिए लिख रहे हैं, तो असल में जो मेरा फेवरेट मुद्दा है कि हम जो कम्युनिकेटर हैं हम अपना काम नहीं करते हैं। हम दोष ऑडियंस को देते हैं कि अरे नहीं नहीं तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम्हारे लिए हम थोड़ा कम दर्जे का लिखते हैं, क्योंकि तुम बेवकूफ़, तुम 13 साल के हो, तुम्हें क्या समझ है। बट 13 इज़ द न्यू 23। ये हम नहीं कि आप सब में इतनी समझ है और आपकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है, आप हनी सिंह को भी उतने मोहब्बत से सुनेंगे जितना याद शहर की कहानियों को। और ये हम आपको ब्रैकेट करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं कि इस उम्र का इंसान है तो इसके लिए ऐसी भाषा में बात करो, 30-35 का हो गया है तो थोड़ा वो सरौता समझ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑडियंसिस के लिए भी हमने ये सोच के कि वो कमतर हैं, कम समझ है उनकी, अपनी भाषा को फ्लैट किया, उसके जो रंग हैं, जो न्यूआंसेस हैं, उसको हटाया, और वो हमारी बहुत बड़ी गलती रही है। अखिल, नई रेजगारी से नए शब्द। मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैं अनुवाद करता हूँ, कि कई बार नए कहने का ढंग, नए शब्द अलग भाषाओं से भी मिलते हैं। मेरी क्योंकि आज क्या कहते हैं वर्ड ऑफ द ईयर नारी शक्ति है, और दुनिया की मेरी सबसे चहेती जो कवि हैं वो अमेरिका में लिखती थी 1930-40 के करीब, डॉरथी पाक, तो उनकी कविता मुझे सुनने को मिली, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया, और बाद में मेरे एक स्टूडेंट थे रामजस कॉलेज में, तरुण थापर, उन्होंने उसका पंजाबी अनुवाद किया। तो आपको तीनों में सुनाता हूँ, बहुत छोटी कविता है। जब जवां थी, जब जवां थी तब एक आदत थी सबको खुश करना, जब जवां थी तब एक आदत थी सबको खुश करना, हर दूसरे लड़के के संग खुद को बदलना, उसके रंग में ढलना, पर अब जैसी हूँ वैसी ही हूँ, अपनी मर्जी की करती हूँ, अगर ऐसे ही पसंद हूं तो आना मेरी आड़ में, नहीं तो जरा सुनो तुम जाओ भाड़ में। क्या बात है। और इसका अंग्रेजी था, इन यूथ इट वॉज अ वे आई हैड टू डू माई बेस्ट टू प्लीज एंड चेंज विद एवरी पासिंग लैड टू सूट हिज थ्योरीज, बट नाउ आई नो द थिंग्स आई नो एंड डू द थिंग्स आई डू, एंड इफ यू डू नॉट लाइक मी सो टू हेल माई लव विद यू। लेकिन क्योंकि भाषाएं जीती रहती हैं और भाषाएं संपन्न होती रहती हैं और भाषाओं से, तो तरुण थापर ने इसका पंजाबी विच किया। जद सी जवां तद एक आदत सी सारिया नू खुश करन दी, नाल हर दूजे मुंडे दे अपनू बदलन दी, रंग ओदे विच ढलन दी, पर हुने जिवें हाँ ओवें ही हाँ, अपनी मर्जी दी कर दी हाँ, जिवें इवें ही पसंद आ तू आजा मेरी आड़ च, नहीं ते जरा सुनी तू खुंजे मार भाड़ च। तो एक छोटी सी जी जी जी, तो भाषाओं के साथ हम खेलते रहें। और मुझे बहुत इसमें रस आया कि जब लोगों ने कहा कि भाषा हमेशा एक दूसरे से बात करती रहती है, आप अकबर अलाहाबादी की कविताएं देखिए, उन्होंने जब दिल्ली दरबार पे लिखा तो उसमें भी था कि
बात मशहूर हुई है कूचाए बर्जन हॉल में नाचे लेडी कर्जन, तो अलग अलग शब्द हमेशा, ये 1911 की कविता है, तो ऐसी भाषा एक दूसरे के साथ खेलती रहे तो बढ़ती रहेंगी। गीतांजलि जी कुछ कह रही थी। बहुत छोटी सी एक बात, माइक थोड़ा सा क्लोज रखें। हाँ, मुझे मतलब आपने बहुत बढ़िया कविता सुना के और उसके अलग अलग भाषाओं में उसको सुना के एक बात जाहिर करी, मुझे ख्याल आ रहा है बहुत जाने माने विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले हिंदी विभाग के प्रोफेसरों से ये बातें जो सुनी हैं कि आज के जो बच्चे हैं हिंदी विभाग में वो सीधा सा वाक्य भी नहीं लिख पाते हैं और कविता तो वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। मतलब आप दोहे चौपाइयाँ इन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ध्वनि और वज़न ये क्या चीज़ हैं उनसे वो बिल्कुल जैसे बेखबर हो चुके हैं। उनको मालूम नहीं कि भाषा का ये भी एक हिस्सा होता है। और मुझे लगता है कि जब हम सिर्फ हिंदी की नहीं, हम किसी भी भाषा की बात कर रहे हैं तो हमको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा कि जो हमने नानी दादी रक्षंदा जी ने भी ये बात करी, उनका जो किस्सा गोई में ध्वनि और वज़न कहाँ डालना है इसका उनको इतना इंटुइटिव वॉइस मॉड्यूलेशन और वो परंपरा थी जो हमारी बिल्कुल चली गई है। तो हम जो हैं भाषा को एक वोकैबुलरी का जमघट समझने लगे हैं और मुझे लगता है कि हमें यहाँ सचेत होने की ज़रूरत है, हम क्या खो रहे हैं। जी, मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। ये मामला केवल विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने वालों के साथ नहीं है, ये अंग्रेजी ऑनर्स करने वाले विद्यार्थियों पे भी लागू होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 70 वर्षों में हमने स्कूल को प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर दिया है, जहाँ गलाकाट प्रतियोगिता है और उनको क्वेश्चन आंसर रटवाए जाते हैं। तो रट के आने वाली पीढ़ी जब विश्वविद्यालय में आती है, एक मेरे स्कूल के मित्र हैं वो कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को अच्छा करके भेजते हैं और वो कॉलेज में ख़राब हो जाते हैं। हमारा आरोप है कि विद्यार्थियों को बर्बाद करके स्कूल से कॉलेज में भेजते हैं और हम 3 साल में उन्हें बेहतर करते हैं। क्योंकि भाषा की ट्रेनिंग, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं धूमिल, उन्होंने कहा कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, बहुत सिंपल लाइन में। अखिंदा आपका गुस्सा आया नुकता मिस हुआ? नहीं, वो अब मैं आदी हो गई हूँ, लेकिन तमीज सॉरी नहीं, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। और हमारा जी इसके बाद Q&A शुरू करते हैं। हो सकता है कि जब आप लोग जो बिल्कुल नई उम्र के लोग आगे बैठे हैं, जब आप लोग बुजुर्ग हो जाएं, अगर आप बुजुर्ग हो जाएं तो तब जैसे हमारे यहाँ हमें तो बुजुर्ग बता दिया विद्यारंभ की बहुत जल्दी में विद्यारंभ की जब शुरुआत होती है तो ऐसे स्लेट पुतना से साफ की और खड़िया से लिखा, तो माँ ने बताया एक चूल्हा दूसरा चूल्हा लेटा डंडा खड़ा डंडा और छत आ। पर जब आप बुजुर्ग होंगे और आगे वाली पीढ़ियां होंगी तो हो सकता है वो किसी एलेक्सा को बोल दें आ, किसी डिजिटल स्क्रीन पे लिख के आ जाए। आप ये देखिए, मैं भाई साहब बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हाई स्कूल इंटर तक हमारे यूपी में 10वीं 12वीं को इंटर बोलते हैं, अंग्रेजी की बड़ी स्पेलिंगें आती थी, नाश हो इस ऑटो करेक्ट का, कुछ भी लिख दो वो तो गूगल ठीक कर ही देगा, कुछ भी लिख दो वो ऑटो करेक्ट हो ही जाएगा। तो बाकायदा सायास ये कोशिशें हो रही हैं कि आप भाषा वर्तनी इन सबको भूल जाएं, आप श्रीनगर जाएं तो वहां भी आलू की उसी किस्म का बर्गर मिले जो कन्याकुमारी में मिले, ना कहवा खाएं ना इडली और फिल्टर कॉफी के फेर में पड़े, पर आप लोगों के फेर में तो जरूर पढ़े जो सुन रहे हैं। Q&A की शुरुआत की जाए। भाई माइक दीजिए सुधी दर्शकों को। अच्छा, आपकी इजाजत अगर हो तो एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हम जब से बातें कर रहे हैं हम ऐसे जैसे ऐसा मालूम देता है कि सिर्फ सुनने की चीज है भाषा, भाषा पढ़ने की भी चीज है। जी, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम एनरिच कैसे करेंगे अपने वोकैबुलरी बैंक को हम बढ़ाएंगे कैसे। तो इससे पहले वाला भी एक सेशन था जहाँ यही बात उठ रही थी कि हम सब बहुत जल्दी में है पब्लिश होने की, लिखने की और चीज़ें करने की, लेकिन हम पढ़ते कितना हैं। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ये सवाल तो अपनी जगह रहेंगे ही। थोड़ा वक्त की कमी थी जब गीतांजलि मैम ने कहा, तब मैं ये बात जोड़ना चाह रहा था कि
इंटरनेट के आने से बहुत सुविधा हुआ, पर एक गड़बड़ ये हो गई कि सबने चट से उठा के फेसबुक पे ब्लॉग पे सब कुछ लिख दिया, तो वो जो कई वाक्य काटने के बाद एक वाक्य बनता था वो बड़े जतन से जो चीज़ की जाती थी अब उसकी जगह हड़बड़ाहट हो गई। साहब जल्दी से कर दो, बस तुरंत वो पोस्ट वाला बटन दबा दो। जी साहब, अरे माइक दीजिए भाई, नारी शक्ति को ज़्यादा दीजिए, वर्ड ऑफ द ईयर है। हाँ, ये आपके इधर इधर बैठे भाई, ये इनको दीजिए। जी हेलो सर, ये सर आपको बोल रही हूँ। जो बुजुर्ग सर वगैरह जो मेरी तरफ है, जो डूड वाले चीज़ें वो इनको। एक्चुअली मेरे दो बेटे हैं, एक 9th में पढ़ता है और एक 7th में पढ़ता है, और मुझे लगता है कि स्कूल्स में जो भाषा पढ़ाई जाती है उसका बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो कैसी हिंदी बोले। और स्कूल्स की किताबों में जो हिंदी दी जाती है वो इतनी भयानक है कि बच्चे उसे पढ़कर ही डर जाते हैं, वो आगे उसे पढ़ना भी नहीं चाहते। तो अगर स्कूल्स ज़्यादा ध्यान दे, हमारे जो हिंदी के लिटरेचर बोर्ड्स हैं वो थोड़ा ध्यान दे कि जो करिकुलम बनाया जा रहा है बच्चों के लिए वो थोड़ा और मनोरंजक हो जाए, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें अट्रैक्शन लगे भाषा के प्रति, सो मे बी वी कैन स्टिल सेव द लैंग्वेज। आप जो कह रही हैं वो दुरुस्त है, इसलिए अगली दफ़ा जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएं तो मास्टर साहब को खूब हड़काएं, और मास्टर साहब कह के ही हड़काएं। बाकी मैं, एक उम्र तो नहीं है मेरी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, स्कूल के भरोसे मत छोड़िए अपने बच्चों की जबान को, अपने घर में किताबें रखिए। मेरी माँ मुझे रोज़ रात में सोने से पहले गांव में कहानियाँ सुनाती थी, फूला रानी की, अकबर बीरबल की। लोग मुझसे पूछते हैं साहब लल्लन टॉप करते हो, पॉलिटिकल किस्से सुनाते हो, कहाँ से आया? वो माँ ने सही समय पे बीज मिट्टी में रोप दिया था, वो आपका दायित्व है। अरे चाहे वो राज कॉमिक्स, चाहे सुपर कमांडो ध्रुव पढ़े, कमबख्त पढ़े, तो पढ़ने पर बड़ा जोर हो। हाथ तो उठे, माइक कहाँ है? अच्छा, नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि जिस तरह से आप गजल लिखते हो या फिर हिंदी कविताएं लिखते हो, दोहे चौपाई लिखते हैं, गजल तो हाँ गजल लिखते हैं, तो उसमें भी एक वजन डालने का, एक मीटर का नाप होता है कि इस मीटर जो भी कि इस मीटर में वो लिखा जाए, ऐसे उसके शेर हो, ये मतला हो, उसके सबके कुछ नियम कायदे हैं। ऐसे ही जब दोहे चौपाई करोगे तो 13-11 की मात्राएं उसमें लगती हैं, सब चीज़ें। आपने द्विवेदी जी कहा कि भाषा पे कोई पहरेदारी नहीं लगनी चाहिए, पर अगर भाषाओं पे इस तरह की पहरेदारी नहीं लगेगी तो फिर ये विरासत कैसे जीवित रह पाएगी आने वाली पीढ़ियों में? और अगर इसी तरह जैसे हिंदी में हम लोग इंग्लिश के शब्दों को काम में लेके हिंग्लिश बना दिया, आप अंग्रेजी भाषा में कितने हिंदी के शब्दों को ऐसे ठूंस सकते हैं जब आप अंग्रेजी में कम्युनिकेट करेंगे? तो कहीं ना कहीं भाषाओं की पहरेदारी आवश्यक है, ऐसा लगता है मुझे। जी, अनुशासन और चौधराहट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? ये देश संविधान से चले, ये अनुशासन है। अब ये देश खाप पंचायतों के हिसाब से चले, लंबरदारों के हिसाब से चले, ये बदमाशी है, ठीक है? गीतांजलि जी ने जो बात कही, परंपरा प्रवाह के साथ आए, पानी बहता रहे, कुछ पानी गंगोत्री से चला हुआ हो, कुछ हमारे कानपुर से भी मिले, तो वो है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अराजकता हो जाए, वो तो भाई साहब ने उदाहरण देके बताया ना कि प्रयोगों के नाम पे ऐसा ना हो कि साहब आज मैं एक नया हलवा बना रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी लाल मिर्च होगी, थोड़ी सी हींग होगी, तो ज़माना आपको सिर्री कहेगा। सिर्री, हमारे बुंदेलखंड में सिर्री मूर्ख को कहते हैं। सिर्री बहुत अच्छा लफ्ज है जी। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्वच्छंदता हो जाए, या जैसे मेरी माता जी कहती कि जाओ चौराहे पे नंगा नाचने लगो, वो करने को नहीं कह रहे हैं। वो आपका मन हो तो आप नाचिए, बाकी पुलिस आए लाठी बजाए आपकी जिम्मे। तो परंपरा का मतलब है कि लगातार संवाद होता रहे, खिलंदड़पन का जिक्र किया, प्रयोग होते रहें, है ना? पर ऐसा नहीं होगा ना कि आप बॉल को रोकना भी नहीं जाते हो फ्रंट फुट पे, और आप कहोगे मैं तो साहब पहली गेंद पे जाके छक्का मार दूंगा, कितने छक्के मार पाओगे भैया जी। इनका एक और सवाल इस पे भी था कि अंग्रेजी में कोई फिल्टर्स नहीं है, अंग्रेजी में भी बहुत से लफ्ज आए हैं हिंदी से और जबानों से। मुझे अभी रेखा नटराजन नजर आई थी ओयूपी की, मालूम नहीं यहाँ है कि नहीं,
ओयूपी ने तो एक लिस्ट बनाई है कितने लव्स हिंदुस्तान से आए हैं और उसमें भी अलग अलग जबानों से जो अब ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी में शामिल हैं, यानी लेक्सिकन में आ गए हैं वो लव्स। और दूसरा, आप सब लोग तो अक्सर इस बात को कहते भी रहते हैं, भाषा का उसको बोलने वालों की हैसियत से बड़ा सीधा नाता है दोस्त। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में नौकरों की जबान अक्सर भोजपुरी या अवधी दिखाई जाती है, हैं? और सारे पैसे वाले मल्होत्रा या रायजादा होते हैं। इसलिए मैंने ये तय किया है, देखिए मैं तो जाति मानता नहीं हूं, कि अगर मैं कभी सिनेमा लिखूंगा तो उसमें एक भिखारी रखूंगा जो रायजादा होगा। नहीं नहीं, ये मैं मजाक कर रहा था, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। जी मैम को दीजिए। मैं आप सबसे, इस पैनल से अपनी एक पीड़ा बयान करना चाहती हूँ और एक प्रश्न जो मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है। मैं बालिका गरिमा पर काम करती हूँ और कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में राजस्थान में गांव-गांव में जाती हूँ और वहाँ के विद्यालयों में जाती हूँ, और मुझे इतनी परेशानी होती है, इतनी तकलीफ होती है कि कक्षा 5 का बच्चा एक पैराग्राफ आधा च की मात्रा, कु की मात्रा, बड़ा ई बड़ी ई की मात्रा में भी भेद करने में असमर्थ। अरे हमका बताओ, अब ये हमको बहुत तकलीफ वाली बात है, ये बड़ी समस्या है और इसका आसान हल भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको बचा सकें। क्या नीति होगी, क्या जुगत होगी, क्या रणनीति होगी, वो तो आप जैसे लोग बता पाएंगे। आईएमसी से एक लड़का है, आईएमसी समझिए चरम पे है, टेस्ट के ट्रांसलेशन का। मैं भी वहीं से हूँ। नहीं नहीं, मैं भी वहीं से हूँ जी, और आप भी हैं। लेकिन तो आया वो भी हाल में और मैंने ट्रांसलेशन का टेस्ट दिया, बाद में भाई उन्होंने कहा नहीं नहीं ये लड़का ठीक लग रहा है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया गया था हमारे टीम ने। मैं गया देखने, मैंने कहा यहाँ पे पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने पूरा लेके गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया। मतलब ये लेवल है कि, और जो आईएमसी से आया है, कभी जाओ और मैं का फर्क नहीं पता है, मैं और मैं का फर्क, वो बिंदी का फर्क नहीं पता है, लिखना होगा मैम मुझे। अरे वहां से देखो, अभी तो इसमें लिखा है कि 4 मिनट और 50 सेकंड बाकी हैं। वो कह रही माहौल बनाना शुरू करो। अच्छा अच्छा जी, हमारे यहाँ घरों में मैम क्या होता था कि माँ मानस का पाठ करती थी, तो आजकल धार्मिकता पे बात करना थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया है, पर वो धार्मिकता जो घरों की धार्मिकता थी, वो मुट्ठियाँ भींचे सड़कों पर गुंडों की तरह दिखने वाली आक्रामकता नहीं, जो घरों की धार्मिकता थी, जो हम सबों को बेहतर इंसान बनाती है, करुणा पैदा करती है, तो उसमें बड़ा था कि बेटा ये चौपाई पढ़ो, प्रातकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, फिर अच्छा ये चौपाई है या दोहा तो मात्राएं गिनो, तो वो जो मात्राएं गिनते गिनते दोहा चौपाई की थोड़ी सी तमीज़ आ जाती है ना कि मात्रा दुरुस्त है कि नहीं, वो गुम हो रही है। पर आपके भीतर ये चिंता बाकी है, इसका मतलब उम्मीद भी बाकी है। आप मुझे बहुतों की नज़र में विलेन बनाएंगी, वो पीछे मोहतरमा है उनको दे दीजिए। आपका मैंने हाथ देख लिया है लेकिन माइक मेरे पास नहीं है, सबों का जी। धन्यवाद, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि इसका शीर्षक जो सेशन था, इसका शीर्षक है नए भारत की हिंदी, इसका शीर्षक नए भारत की भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि ये, क्योंकि हम भाषाओं की बातें कर रहे हैं जी, क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पे अलग अलग भाषाओं के साहित्यकार बुलाए जाते हैं, अलग अलग भाषाओं पर विस्तार से बात होती है, ये सेशन हिंदी को समर्पित है क्योंकि हिंदी के वर्ड ऑफ द ईयर का ऐलान हुआ है, और इसीलिए, लेकिन हिंदी तो बड़ी बृहत्तर है, इसीलिए आप देखें कि एक अंग्रेजी भाषा को बरतने वाला कवि इसमें बैठा है, रक्षंदा आपा बैठी हुई हैं उर्दू, गीतांजलि मैम हैं, प्रवीण जी हैं, नीलेश जी हैं, तो बड़े समृद्ध पृष्ठभूमि वाले लोग हैं जी। सर जवाब बताया ना आपको, ये सेशन हिंदी के लिए है, इसलिए नए भारत की हिंदी, हो सकता है किसी मंच पर नए भारत की मराठी पर भी बात हो रही हो, नए भारत की गुजराती पर भी बात हो रही हो, है तो हिंदी बेल्ट ही है, हंसुआ अपनी तरफ ही खींचता है, हिंदी क्षेत्र में है, हम लोग तो हिंदी को रख दिया सेशन में,
उसको लेके अपोलोजेटिक होने की जरूरत भी नहीं है जी। किधर? अरे वो पीछे, हाँ वो अभी 2 मिनट 24 सेकंड है, बस वो एक आखिरी दे दीजिए उनको। जी जी बस एक आखिरी, पाप चढ़ेगा। जी जी लास्ट। नमस्कार। शॉर्ट में जल्दी। बिल्कुल जल्दी सर, अंग्रेजी भाषा पे मेरा इतना मैं पारंगत नहीं हूँ, तो मैंने अभी इन दिनों से एक स्टेटस डाल रखा है अपना कि अंग्रेजी भाषा पर अगर इतनी पकड़ नहीं है तो हिंदी भाषा में पारंगत हो जाओ, ज्ञानी उतने ही लगोगे। बिल्कुल। तो इस चीज पर आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं नहीं सर, हमारे समय का महान दार्शनिक ऋतिक रोशन लक्ष्य में कह गया है, मैं घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा बनूं। थैंक यू सो मच, आई विश वी हैड टाइम फॉर मोर क्वेश्चंस, दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। And thank you to Oxford, Oxford Dictionaries for sponsoring that wonderful session. It was really, really great. Yeah, yeah.